चलिए दोस्तों, अब हम दोलक वाले रोड पे और ये द्वारका एक्सप्रेस वे आ गए। यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया। आज हम आपको नाइट राइड दिखाते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की। ये देखिए, चलिए आज आप भी करिए हमारे साथ द्वारका एक्सप्रेस वे की नाइट राइड। वाह, ये और ये हम द्वारका एक्सप्रेस वे एंटर करके द्वारका, यशोभूमि, गुड़गावा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस वे सबके लिए कनेक्ट होता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली गुड़गांव की शान। चलिए आज आप भी हमारे साथ नाइट राइड कीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे की। मैं भी द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद फर्स्ट टाइम आया हूँ इसके ऊपर, और मैं भी चाहता हूँ मैं भी अनुभव करूँ और आपसे भी कराऊँ, क्योंकि मैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे को उस टाइम से रिकवर कर रहा हूँ दोस्तों जब इस पे काम चल रहा था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं आया था एक बार, जब ये दौलताबाद के आसपास वहाँ पे एक दीवार खड़ी थी बीच रोड में, फिर बाद में सभी ये टूटी दीवारें। चलिए आज आपसे अनुभव शेयर करता हूँ मैं भी। देखिए क्या रोशनी हो रही है, ये है भारत के का विकास। वाह, वाह, ये सामने में क्या एयरपोर्ट है ना, ये सामने एयरपोर्ट की लाइट है, दिख रही है ना, ऐसे लग रहा है। ये देखिए क्या चकाचौंध है, ये है हमारा उभरता हुआ हिंदुस्तान दोस्तों। आप भी कीजिए मेरे साथ आज द्वारका एक्सप्रेस वे की नाइट राइड। देखिए कितनी लाइटें जगमगा रही, कैसे कैसे अच्छा लग रहा है दोस्तों आज देख के मुझे। और मैं पहली बार आया हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे पर बनने के बाद। आज हम आपको पूरी यात्रा कराएंगे गुड़गांव तक। मुझे बता देना, मुझे नहीं पता अभी, मुझे भी नहीं पता इस रोड के, इसलिए हालांकि मैंने गूगल मैप पे तो लगाया हुआ है, क्रॉसिंग आया था बीच में कभी। चलिए सीधा ही दिखा रहा हूँ, प्यारा 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 सजा है द्वारका एक्सप्रेस वे हमारा। इसमें देखते हैं दोस्तों आज टोल टैक्स भी आता है, नहीं आता अभी मुझे नहीं पता, अभी इस पे स्टार्ट हो रहा है या नहीं। आज है 5 मई 2024। आज आपको अनुभव दिखाते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे का, देख सकते हैं आप भी मेरे साथ फील कर सकते हैं ड्राइविंग कर। गुड़गांव जैसे एंटर करेंगे वहां पे शायद एलिवेटेड स्टार्ट हो जाता है, या दिल्ली में शायद ये नीचे ही है, तो वहां पे पूरा ऊपर ऊपर बनाया गया है, शायद एक पिलर पे बनाया हुआ हाईवे है ना, एक्सप्रेसवे, हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे। ये बनने से दिल्ली जयपुर हाईवे को काफी राहत मिलेगी, जो कि अपना पुराना दिल्ली गुड़गांव हाईवे है, जो क्योंकि इससे जिसको जयपुर जाना है, सोना जाना है, वो इधर से आ सकते हैं काफी लोग।
देखो अभी कितना ट्रैफिक है इस रोड पर। कल तो बिजवासन वाला रोड है ये। पूरा हाईवे दिखाएंगे आज आपको पूरा। सही है, एंटर पास भी यहाँ पे एक। ये शोभूमि ये देखिए दोस्तों, गुड़गांव सोना जयपुर के लिए, यहाँ से चंडीगढ़ के लिए इधर से जा रहेगी शोभूमि हाईवे। ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ से असली स्टार्ट हुआ है। वो मेरा बिजवासन वाला रोड था पहले, ये चलेगा वो अपना ऊपर ऊपर। देखिए अब आप द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली गुड़गांव की शान। इधर IICEC और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुड़गांव सोने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे एरो, ताकि आप भी अगली बार आए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए पहले से। अब यहाँ क्राउड कम हो गया है, मतलब पहले पीछे काफ़ी ट्रैफिक था। कैसा लग रहा आपको निशु? बढ़िया लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हाईवे के बारे में? प्रॉपर डेवलप्ड लग रहा है। प्रॉपर डेवलप्ड। अगर किसी भी देश को विकास के पथ पर चलना है तो उसे अपने रोड, रेलवेज और एयरपोर्ट्स वो बेहतर बनाने होंगे, क्योंकि जब तक आपके देश की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी आप विकास नहीं कर सकते। इस हिसाब से लग रहा है मतलब हमारे देश में काफ़ी विकास हो रहा है, क्योंकि अभी हाईवेज तो अपने देख सकते हैं हम पूरे देश में हर तरफ हाईवेज का जाल बन रहा है। इस पे 100 की स्पीड की लिमिट है दोस्तों, आप 100 तक चलाएं तो अच्छा है। आगे एक ट्रक जा रहा है तो इसको ओवरटेक करने के लिए हमें लेन चेंज करनी पड़ेगी, और वैसे हमें लेन ड्राइविंग करें तो मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए, सबके लिए। हमें एक लेन में ड्राइविंग करनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपने कितनी स्मूथ चल रही है गाड़ी। आगे एक भैया जा रहे हैं तो हमें ओवरटेक करना है, तो हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे जयपुर यहाँ से 224 किलोमीटर है, और फरीदाबाद भी जा सकते हैं आप जो कि 52 किलोमीटर है यहाँ से। वाह देखो कितना वाइड हो गया यहाँ पे आगे, देखो ना। वाह देखो कितना चौड़ा लग रहा है। सीधा चलना है अभी तो। अच्छा ये शायद टोल टैक्स के लिए अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ मेरे ख्याल, है ना? अभी नहीं हुआ, टोल टैक्स स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपका टोल टैक्स तो कटा करेगा अभी। ये देखिए टोल टैक्स पे कितना खुला खुला है, बिल्कुल काफी लेन्स है इसमें। अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और सीधा कहाँ चला गए? सोना जयपुर के लिए आप स्ट्रेट जा सकते हैं, और सेक्टर तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से हम यहाँ से भी जा सकते हैं।
हम यहाँ से जा सकते हैं, बसे होते हुए यहाँ से चल रहा है। हाँ अभी हम यहीं से जाएंगे दोस्तों, अभी थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हम पहली बार आए हैं अभी, अभी शायद अच्छी तरह से खुला नहीं है ये। ये देखिए गुड़गांव सेना दसई सेक्टर 99 104, हमें सेक्टर 10A में जाना है गुड़गांव में, इसलिए हम थोड़ा आगे से एग्जिट करेंगे। ये इधर अपने लेफ्ट जो गया रास्ता है ये गुड़गांव रेलवे स्टेशन के लिए गया दोस्तों। आगे ऐसे एग्जिट आएंगे, काफ़ी एग्जिट आएंगे जिससे आप गुड़गांव के अंदर एंटर कर सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है, और इस पर स्पीड लिमिट देख सकते हैं आप, कार की स्पीड 100 की है इस पर और ट्रक्स की स्पीड 80 की है। देखो कितनी अच्छी से लाइटें हैं, ये रात का दृश्य है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मुझे आज भी याद है जब मैंने 2016-17 में जब यहाँ की रिकॉर्डिंग करता था, बिल्कुल रो हाईवे था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होती थी काफ़ी, उस पर काम चल रहा था, एंक्रोचमेंट थी वो हटाया गया था काफ़ी, M3 एक्सपीरिया मेरे लेफ्ट मेरे राइट में। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वाह, देखो लाइटिंग वगैरह, मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे अब बस अब हमारे इंडिया अब सबको पीछे छोड़ देगा हम अगर ऐसी विकास कर देंगे। कैसे लग रहा है लाइटिंग, क्यों जिग जैग लाइट में ना आगे देखा जिग जैग लाइट कैसे, अच्छा लग रहा है ना, फील तो अच्छा आ रहा है। कैसे है ना, कैसे लाइट है, ये हमारे गुड़गांव में तो शान है भाई, हमें तो अच्छा लगता है हमारे गुड़गांव में इतना अच्छा हाईवे है जो कि हमारे गुड़गांव से होते हुए जा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसको जब से स्टार्ट हुआ है तब से कवर कर रहा हूँ, और आज मुझे पहली बार बनने के बाद आने का मौका मिला है, इसलिए मेरी तो भावनाएं जुड़ी हुई इससे। देखिए लाइटें कितनी अच्छी लग रही है, आप भी आपको भी शायद कैमरे में इतना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा पता नहीं मुझे, लेकिन वैसे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं सीधी आंखों से देख रहा हूँ। तो सेक्टर 99 सेक्टर 104 दिन में आओगे तो आपको इसके साथ साथ बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें दिखेंगे आपको काफ़ी, शायद अभी रात को नहीं दिख रही इतनी। के लिए लेफ्ट, तो हम दोस्तों यहाँ से लेंगे लेफ्ट क्योंकि हमें इस सेक्टर 10A में जाना है ना, इधर से नहीं ना बस ही होते हुए जाना अपने को, आगे से भी रास्ता था वैसे तो, चलो कोई नहीं यहाँ से चलते हैं। ये हमने द्वारका एक्सप्रेस वे छोड़ दिया और अब हम अपने गुड़गांव घर की तरफ जा रहे हैं, सेक्टर 10A में जाना हमें, जयपुर के लिए जा रहे हैं इधर और बसे के लिए इधर इधर लो इधर ले लो, देखो देखो हंड पीछे से रुको आराम आराम से अभी भी रुको बता दे पहले ले लो ले लो ले लो ले लो बस आई सेक्टर 90
आगे वो दिल्ली जयपुर चला गया। चलो दोस्तों, इतना था हमारा आज का सफ़र हाईवे इसका, द्वारका एक्सप्रेसवे का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।